अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रुबीना किड्स गैलरी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर निबंध, जिसमें कुछ पॉइंट है। प्रस्तावना, गांधी जी का जन्म, उनका प्रारंभिक शिक्षा, उनका राजनीति में प्रवेश, स्वतंत्रता प्राप्ति, लास्ट में उपसंहार। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के ही नहीं बल्कि संसार के महान पुरुष थे। वे आज के इस युग की महान विभूति थे। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के अनन्य पुजारी थे और अहिंसा के प्रयोग से उन्होंने सालों से गुलाम भारतवर्ष को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाया था। विश्व में यह एकमात्र उदाहरण है कि गांधी जी के सत्याग्रह के समक्ष अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। सेकंड पॉइंट है, गांधी जी का जन्म। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ा जिले में स्थित पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। मोहनदास जी अपने पिताजी की चौथी पत्नी की आखिरी संतान थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उनका प्रारंभिक शिक्षा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। गांधी जी जब 13 साल की उम्र के थे और स्कूल में पढ़ते थे, तब उनका विवाह पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा देवी जी से हुआ था। अपनी कक्षा में एक साधारण विद्यार्थी थे। गांधी जी अपने सहपाठियों से बहुत कम बोलते थे, लेकिन अपने शिक्षकों का पूरा आदर करते थे। गांधी जी मैट्रिक की परीक्षा अपने स्थानीय विद्यालय से उत्तीर्ण की थी। गांधी जी औसत विद्यार्थी थे, हालांकि उन्होंने कभी कभी पुरस्कार और छात्रवृत्तियाँ भी जीती है, लेकिन गांधी जी पढ़ाई और खेल में तेज नहीं थे। गांधी जी शुरू से ही सत्यवादी और मेहनती थे। गांधी जी कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। गांधी जी की माता उन्हें बचपन से ही धर्म कर्म की शिक्षा देती थी, जिससे वे विद्यालय में भी एक विनम्र विद्यार्थी थे। गांधी जी झगड़ा, शरारत और कुशल कूद आदि से दूर रहते थे। एक बालक का इतना विनम्र रहना उचित नहीं था, लेकिन गांधी जी में ये सभी संस्कार जन्मजात थे। नेक्स्ट पॉइंट, उनका राजनीति में प्रवेश। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। सन 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। उन दिनों में गोपाल कृष्ण गोखले जी कांग्रेस के गणमान्य सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी की अपील पर गांधी जी कांग्रेस में शामिल हुए थे और पूरे भारत का भ्रमण किया था। गांधी जी ने जब देश की बागडोर को अपने हाथों में लिया था, तो देश में एक नए इतिहास का सूत्रपात हुआ था। गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। जब सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, तो गांधी जी ने उसका बहुत डटकर सामना किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता की प्राप्ति। इसकी वजह से देशभक्तों को बहुत प्रोत्साहन मिला था। गांधी जी द्वारा सन 1930 में चलाए गए नमक आंदोलन और दांडी यात्रा ने अंग्रेजों को पूरी तरह से हिला दिया था। गांधी जी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होने की वजह से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। उन दिनों में आंदोलन की बागडोर तिलक जी के हाथ में थी। उनके साथ
मिलकर ही गांधी जी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। लास्ट पॉइंट, उपसंहार। गांधी जी को भारतीय इतिहास के युग पुरुष के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। आज सारा विश्व उन्हें श्रद्धा से नमन करता है। गांधी जी के जीवन पर अनेक भाषाओं में फिल्में बनाई गई, जिससे आज का मानव उनसे प्रेरणा ले सके। गांधी जी के जन्मदिन को सारा संसार श्रद्धा और सम्मान के साथ मानता है। अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र ने भी अपने देश में 2 अक्टूबर को गांधी दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दे दी। युग युग तक गांधी जी को बहुत याद किया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।